हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं टेक्स्ट ट्रैकिंग एनिमेशन क्रिएट करके बताऊंगा आफ्टर इफेक्ट में। तो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम न्यू कंपोजिशन क्रिएट करेंगे। यहाँ से मैंने ऑलरेडी HD कंपोजिशन सेलेक्ट किया हुआ है, ओके प्रेस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, यहाँ से सॉलिड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आपको कलर चाहिए आप चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। अब इस लेयर को मैं लॉक कर दूंगा ताकि ये मूव ना हो सके। इसके बाद हम टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करेंगे और हम टाइप कर लेंगे टेक्स्ट मोशन। यहाँ पे मैं ले आऊँगा, आप देख सकते हैं इसका जो एंकर पॉइंट है ये बॉटम में आ रहा है, तो हमें ये सेंटर में चाहिए। उसके लिए कंट्रोल ऑल्ट और होम की प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा एंकर पॉइंट। उसके बाद हम अलाइन से यहाँ से सेंटर कर लेंगे एकदम टेक्स्ट को। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और एनिमेट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऐड पे जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ओपेसिटी सिलेक्ट करेंगे। एक बार और ऐड पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और उस बार ट्रैकिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। अब पोजीशन को हम यहाँ पे 160 कर देंगे और ओपेसिटी को 0 कर देते हैं और ट्रैकिंग जो है ट्रैकिंग अमाउंट इसको हम -65 कर देते हैं। उसके बाद हम रेंज सिलेक्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको स्टार्ट और एंड का स्टॉप वॉच दिखेगा, तो हमें स्टॉप वॉच पे की फ्रेम लगाना है। उसके बाद हम 1 सेकेंड आगे जाएंगे और इसको हम 100 कर देंगे और इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम असिस्टेंट पे जाएंगे, इजी ईज कर देंगे। उसके बाद ग्राफ एडिटर पे जाएंगे, यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करके इसको हम ऐसे ऐसे कर लेंगे जिससे कि हमारा एनिमेशन जो है काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम एक बार एनिमेट पे और क्लिक करेंगे और इस बार हम ट्रैकिंग सिलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं। हम ट्रैकिंग अमाउंट पे की फ्रेम लगाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा और यहाँ पे मैं 25 कर देता हूँ और इन दोनों की फ्रेम को भी सिलेक्ट करेंगे, की फ्रेम असिस्टेंट एंड इजी ईज कर देंगे। उसके बाद ग्राफ एडिटर पे जाएंगे और सेम ऐसे हम कर लेंगे। अब देखते हैं प्रीव्यू। यहाँ तक तो ओके है। इसके बाद मोशन वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ से इसका साइज फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे हम टेक्स्ट का कुछ ऐसे और ऑल्ट कंट्रोल होम की प्रेस करेंगे तो ये की फ्रेम देख सकते हैं आप सेंटर में आ गया, पहले नीचे था, और फिर इसको सेंटर में लाएंगे और यहाँ से अलाइन भी कर देंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा। और इस पर डबल क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमें फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आई ड्रॉपर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद हम इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे ड्रॉप शैडो, इसको हम ड्रैग करेंगे जो हमने डुप्लीकेट लेयर की है उसके ऊपर लाइक दिस, की सॉफ्टनेस थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसका फॉन्ट हम डार्क लेंगे ज़रा सा लाइक दिस और इसको हम नीचे कर देते हैं इस तरीके से कुछ। तो अब हम देखते हैं अपना एनिमेशन। अब देख सकते हैं ये 2 सेकंड तक का वीडियो है तो इसको हम 2 सेकंड तक का वीडियो बनाएंगे। अब हम एन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये यहीं पे एरिया स्टॉप कर देगा, इसके आगे का रेंडर नहीं होगा। तो हम एन प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं
ये यहाँ पर ही सीमित हो गया, इससे आगे का ये रेंडर वीडियो नहीं होगी। तो अब इसके बाद हम कंपोजिशन पे जाएंगे, एडोब मीडिया इनकोडर क्यू पे क्लिक करेंगे। मीडिया इनकोडर यूज़ करने से क्या होता है कि फ़ाइल साइज़ काफ़ी छोटी बनती है, नहीं तो हम डायरेक्ट रेंडर भी कर सकते हैं कंट्रोल एम करके। अभी यहाँ पे फाइल आ जाएगी, आप देख सकते हैं आ गई। इस पर हम क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमें सेव करना है हम सेव कर देंगे। यहाँ पे नाम दे देता हूँ मोशन इफेक्ट, ओके सेव, एंड यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ जिससे ये रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये भी रेंडर होगा, बहुत जल्दी रेंडर हो जाएगा। ये आपकी पीसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना आपका पीसी हाई कॉन्फ़िगरेशन का होगा उतना फास्ट चलेगा, रेंडर होगा। तो देखते हैं आप ये फाइल मोशन इफेक्ट, तो आप देख सकते हैं बड़े ही सिंपल तरीके से मैंने बहुत ही कूल टेक्स्ट ट्रैकिंग इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट में बनाकर आपको बताया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आगे अपलोड करता रहूँगा अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।